नहीं आएगा ना, मेरी थोड़ी भी चिंता नहीं है। अब क्या हुआ बाबा? अरे अब क्या हुआ का क्या मतलब, जब से अपने बेटे के घर गई है वहीं की होकर के रह गई है, उसने यहाँ आने का एक बार भी कष्ट नहीं उठाया। हेलो। हेलो आई, कैसी है तू? अरे मैं ठीक हूँ, लेकिन मैंने सब्जी छौंकी है, कुछ जरूरी काम है क्या? जल्दी बोल। बाबा को तेरी बहुत याद आ रही थी, तो अगर तू एक दिन के लिए मिलने आ सकती तो। मैं मंजू से बात करके आ जाती हूँ। हाँ ठीक है, आई आ रही है। मंजू ये घर में बैठ बैठ के मैं बोर हो गई, कहीं बाहर चलते हैं, फिल्म देखेंगे, शॉपिंग वॉपिंग करेंगे। एक प्रॉब्लम है। अब क्या है? अरे विनोद की आए, उन्हें क्या कहूंगी? आइडिया देखो, अब मेरी तो उम्र हो गई है, ठीक है, मुझे मुझे कभी भी कुछ भी हो सकता है। आई क्या बकवास कर रही है, मजाक कर रही हूँ? मेरा बीपी बढ़ सकता है, मेरी ब्लड शुगर बढ़ सकती है, और वैसे मेरा डॉक्टर तो बांद्रा में है ना, तो तू मुझे लेकर वहां जाएगी तो तुझे तो पूरा दिन ही लगेगा ना। हाँ तू तो ना सच में कमाल की है। मैं अभी आती हूँ। अरे मंजू, मैं अभी तुमसे ही बात करने के लिए आ रही थी। हाँ बोलिए ना। वैसे आज उनका फोन आया था, वो घर पे बुला रहे थे। ठीक है चले जाइएगा। ठीक है। कोई प्रॉब्लम है क्या? नहीं आई, वो एक्चुअली बात ये है कि आप तो मेरी आई की हालत जानती हैं, ब्लड प्रेशर उनका बहुत हाई हो गया है, आज तो वो ठीक से खड़ी भी नहीं हो पा रही है। मैं सोच रही थी उन्हें डॉक्टर के पास दिखा दूं। हाँ जरूर ले जाओ। लेकिन आई कैसे ले जा पाऊंगी उन्हें, उनका डॉक्टर बांद्रा में है, वहां तक जाते जाते आधा दिन हो जाएगा। अगर आप भी चली गई मैं भी चली गई तो फिर पुन्नी और रुचि। तुम आज ही रसिका दाई को लेकर डॉक्टर के पास चली जाओ, मैं अर्शु को फोन करके बता देती हूँ कि मैं आज नहीं आऊंगी, दो तीन दिन के बाद आती हूँ। थैंक यू वेरी मच। हेलो आई बोल। अर्शु वो रसिका दाई यहाँ आई है ना, आज मंजू उन्हें लेकर डॉक्टर के पास जा रही है, अगर मंजू घर पे नहीं रहेगी तो पुन्नी और रुचि के लिए मुझे घर पे रहना बहुत जरूरी है बेटा। हाँ ठीक है कोई बात नहीं। आप जानते हैं मेरा देवी दर्शन जाने की दो वजह है, एक तो सचिन की शांति के लिए, और दूसरा मुझे वहां जाकर देवी माँ से प्रार्थना करनी है कि वो आपको जल्द से जल्द एक अच्छी सी नौकरी दिला दें। दर्शन तुम्हारी और सतीश की शादी को एक साल हो चुका है, बच्चे के बारे में क्या सोचा है? आई मुझे नहीं लगता कि मैं इस जिम्मेदारी के लिए मेंटली प्रिपेयर्ड हूँ। कोई बात नहीं वर्षा, अब आगे जैसी तुम्हारी और सतीश की मर्जी। यही है वो, कस कर धुलाई करना, इतनी हड्डियां टूटनी चाहिए कि डॉक्टर भी जोड़ते जोड़ते बुढ़ा हो जाए। और हाँ एक बात का ध्यान रखना, ऐसा कुछ भी मत करना कि उसकी जान पे आ जाए। क्या कर रहे हो तुम लोग? हाँ हमने क्या कहा था कि ऐसा कुछ भी मत करना कि उसकी जान पे आ जाए। अब खड़े खड़े मुंह क्या देख रहे हो? चलो भागो यहाँ से जल्दी, चलो यहाँ से।